हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपैरिजन बिटवीन लोड वेयरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर। क्या डिफरेंस होता है फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड वेयरिंग स्ट्रक्चर में। देखिए दोस्तों, देखने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जिसका नाम है फील्ड वर्क एक्सपर्ट। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अपकमिंग 500 to 600 वीडियो आप इजीली देख सकते हैं अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। देखिए क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट की, लोड वेयरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर में कॉस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। लोड वेयरिंग स्ट्रक्चर में हमारा कॉस्ट रहता है लेस, जबकि फ्रेम स्ट्रक्चर में रहता है कॉस्ट इज मोर। क्या कारण है? फ्रेम स्ट्रक्चर यानी आपका यहाँ पे आपका आता है फुटिंग, रेनफोर्समेंट, कॉलम, बीम, स्लैब, ये ऑल ओवर आपका कॉन्क्रीट में होता है, क्लियर। जबकि लोड वेयरिंग स्ट्रक्चर में क्या रहता है, यहाँ आपकी फुटिंग नहीं रहती है आरसीसी की, यहाँ आपकी खंडे की चिनाई रहती है, यहाँ आपकी बॉल थिकर जरूर रहती है लेकिन रेनफोर्समेंट यू ही नहीं होता, तो उसका कॉस्ट लेस ही आता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुचिवेबल। सुचिवेबल अप टू 3 स्टोरी। आपने देखा होगा कि आप जो भी घर बनाते थे पुराने टाइम में केवल वो 2 या 3 मंजिल या 4 मंजिल तक ही बनाते थे, जबकि अब अभी हम बात करें फ्रेम स्ट्रक्चर की तो ये हम किसी भी नंबर ऑफ स्टोरी तक बना सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 2 मंजिल या 3 मंजिल बनाएं, क्योंकि हम कॉलम बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, वॉल आर थिकर एंड फ्लोर एरिया इज रिड्यूस। कहने का मतलब है यहाँ पे बॉल की थिकनेस हम बहुत ज्यादा लेते थे जिससे हमारा फ्लोर एरिया कम हो जाता था, जबकि फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम बॉल आर थिनर। जबकि आपने देखा होगा हम आजकल एएसी ब्लॉक का यूज करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि बॉल आर थिनर एंड हैंस मोर फ्लोर एरिया अवेलेबल फॉर यूज। जी पुराने टाइम में जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते थे वो होता था हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, जबकि अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम फ्रेम स्ट्रक्चर से डिजाइन करते हैं बिल्डिंग को, ठीक है दोस्तों। फोर्थ पॉइंट, स्लो कंस्ट्रक्शन। आपको मालूम है अगर कॉलम बिल्डिंग नहीं हुआ तो आपको सबसे पहले बॉल कंस्ट्रक्ट करना होगी, उसके बाद आप स्लैब डाल पाएंगे, उसके बाद फिर बॉल कंस्ट्रक्ट करना होगा, फिर उसके बाद फिर अनादर स्लैब। जबकि कॉलम बिल्डिंग में क्या होता है कि आप कॉलम स्लैब डालते जाते हैं तो इसमें बॉल का टाइम बच जाता है, यहाँ पर स्पीडली कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों हम, नॉट पॉसिबल टू ऑल्टर द पोजीशन ऑफ बॉल आफ्टर द कंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब है कि आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपके जो फर्स्ट फ्लोर पर बॉल बनी है उसी के ऊपर आपको बॉल ऊपर बनानी होती है, क्योंकि लोड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है हमें फाउंडेशन तक, तो यह कारण है। इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं दोस्तों बॉल की लोकेशन, जबकि फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है, पोजीशन ऑफ बॉल मे बी चेंज वेन एवर नेसेसरी। आपको जैसी ज़रूरत हो वैसा आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट बॉल टू स्लैब, स्लैब टू बीम, बीम टू कॉलम, कॉलम टू फुटिंग होता है, जबकि यहाँ पे बॉल टू वॉल ट्रांसफर होता है लोड हमारा, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अर्थक्वेक इज पुअर। जैसा कि आपको मालूम है रेनफोर्समेंट नहीं होगा, कॉन्क्रीट नहीं होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ अर्थक्वेक इज पुअर ही होगा दोस्तों। यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ अर्थक्वेक इज गुड, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।